हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसके क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के लिए दो अलग से वीडियो डाली गई है। एक वीडियो ये है और एक वीडियो और डाली जाएगी। इस वीडियो के अंदर डाला जाएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सोल्यूशन, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर डालेंगे हम जो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स है उनका सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम। जो हमारे अंदर किडनी है, किडनी का पेयर प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो वो किस पार्ट का, मतलब कौन से सिस्टम का पार्ट है वो हमारा? न्यूट्रिशन का है, रेस्पिरेशन का है, एक्सक्रीशन का है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का है? तो किडनी किस सिस्टम का पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? एक्सक्रीशन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एनसीक्यू है ये भी आपका। द जाइलम्स इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम एक तरह के वस्कुलर टिश्यू हैं ये। इनका काम क्या है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना? तो ऑप्शन देखिए, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन, या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? ये करेंगे आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स के अंदर होता है, तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, या ऑल द अबव? तो इसमें से हम कौन से आंसर को टिक करेंगे? ऑल द अबव, डी आंसर है हमारा। क्योंकि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तभी होगा जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, पानी मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगी, और साथ में सनलाइट मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ द पाइरवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पाइरवेट का जो ब्रेकडाउन होगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि किससे बनता है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पाइरवेट में, और पाइरवेट का ब्रेकडाउन होकर बनेगा आपके पास वाटर, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? तो देखिए, एनर्जी रिलीज कहाँ होती है, सिंथेसिस कहाँ होती है एनर्जी की? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरवेट टू गिव CO2, वाटर, एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये लिखना है इसके अंदर आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। हम जो खाने के अंदर फैट्स खाते हैं, तो उनका डाइजेशन कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, और जो ये प्रोसेस है डाइजेशन का, ये किस पार्ट के अंदर होगा? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे किस पार्ट के अंदर होगा ये? तो सबसे पहले देखिए, होता कैसे है डाइजेशन। फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। जो फैट्स हम इनटेक करते हैं, खाते हैं जिस फैट को, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की, मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूल्स होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? खाना जो हम खाएंगे कहाँ जाएगा हमारा? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास। देखिए, माउथ में, फूड पाइप में, स्टमक में फैट्स का कोई डाइजेशन नहीं होता, तो इसलिए जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पे शुरू होता है फैट्स का डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। शुरू भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और कंप्लीट भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो कौन है जो हेल्प करेगा इनके डाइजेशन में, फैट्स के डाइजेशन में? तो वो है आपका लीवर का जूस, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, और एक पैनक्रियास का जूस, उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए क्या फंक्शन होगा, बाइल जूस कैसे डाइजेशन करेगा फैट का, और पैनक्रियाटिक जूस कैसे डाइजेशन करेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे द बाइल सॉल्ट, जिसको कौन सिक्रेट करता है? हमारा लीवर। लीवर दो तरह के जूसेस सिक्रेट करता है, एक करता है बाइल जूस, जिसको हम दूसरा बोलते हैं, दूसरे को बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस का काम तो क्या है? इसका काम होता है बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाना, और जो बाइल सॉल्ट्स हैं, इनका काम क्या होता है? फैट्स को इमल्सिफाइड करना। इमल्सिफाइड का मतलब फैट्स के जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, उनको छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन इजीली एक्ट ऑन देम। और जब वो छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाएंगे, तो जो हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, वो उनको आराम से ब्रेक कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। और जो इसमें जो सेकेंड पार्ट लिखा था इसका, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो ये जो सारा प्रोसेस है हमारा फैट का डाइजेशन का, ये कहाँ पे होता है? ये होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अंडरलाइन कर देते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। सलाइवा कहाँ बनता है? आपके माउथ में बनता है।
थूक बोलते हैं जिसको हम, ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, क्या रोल है इसका डाइजेशन में? तो देखिए क्या है, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवा है उसका सिक्रेशन कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स करती हैं, लोकेटेड अंडर द टंग। और उनकी लोकेशन क्या है? टंग के नीचे। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट फॉर इजी स्वेलोइंग। और ये क्या कर देता है, जो सलाइवा है फूड का जो निगलना है हमारा उसको आसान कर देगा, क्योंकि फूड को क्या कर देगा, सॉफ्ट बना देगा। इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम का? सलाइवरी अमाइलेज। और इसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। टाइलिन भी बोलते हैं इस एंजाइम को हम, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इंटू शुगर। इसका काम क्या है? सलाइवा का काम होता है स्टार्च को, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको तोड़ के क्या बनाना? शुगर बनाना। मतलब कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाना? शुगर बनाना। और ये काम करता कौन है? सलाइवरी अमाइलेज। किसका काम है ये, किस एंजाइम का? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटू शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड वट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। मतलब जब हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, तो कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्या क्या होना चाहिए तभी हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, और इसके बाई प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं। बाई प्रोडक्ट्स मतलब जो एक्स्ट्रा बने हैं प्लांट्स के अंदर, तो क्या क्या है? तो सबसे पहले देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? वो होगा हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी प्लांट्स को ये प्रोसेस करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, क्लोरोफिल की और सनलाइट की। ये चारों रिक्वायरमेंट्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। और बनेगा क्या इसके अंदर? हमारा बनता है इसके अंदर ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी हमारी? ऑक्सीजन गैस। कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेम सम ऑर्गेनिज्म डेट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से बॉडी को एनर्जी मिले, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और एनर्जी कब मिलती है? जब जो हमारे बॉडी के अंदर खाने का डाइजेशन हुआ है उसके साथ कौन कंबाइन करे? ऑक्सीजन कंबाइन करे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है, ऑक्सीजन ने हमारे डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन किया है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एनर्जी मिलेगी हमें फूड के, लेकिन फूड को जो हमें एनर्जी रिलीज करने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये प्रोसेस होता है आपके कुछ एक बैक्टीरिया है और कुछ एक आपकी यीस्ट वगैरह है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी बॉडी की एनर्जी के लिए है। तो डिफरेंस देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस जो कि हम बात कर ही चुके हैं, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एब्सेंट। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, एक तरह से गैसेस का एक्सचेंज होगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर किसी तरह की कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो साइट है वो कौन सी है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ही साइट की जरूरत पड़ेगी, जो कि सेल के पार्ट है साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होगा? ओनली टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे? CO2 एंड वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो क्या रिलीज होगी? कम रिलीज होगी। अब उसके बाद एग्जांपल था जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था आपसे, कि ऐसे कौन से एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए आंसर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द रूट्स ऑफ द सम वाटर लॉग प्लांट, सम पैरासिटिक वॉर्म्स, एनिमल मसल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल। किस किसके अंदर होंगी? उन प्लांट्स के अंदर होंगी जिनके प्लांट्स किसके अंदर लोग रहेंगे, जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर छिपी रहेंगी,
कुछ पैरासिटिक वर्म्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जिंदा रहते हैं, एनिमल्स की मसल्स हैं, इसमें हमारी मसल्स भी आ जाएगी, और कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यीस्ट है और कुछ एक बैक्टीरिया है जो इस तरह का रेस्पिरेशन शो करते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन है ये? एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया आपसे? हाउ आर द एल्वियोलाई? एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ लंग, लंग के अंदर ही प्रेजेंट होती है, लंग का ही पार्ट है ये। तो आपसे पूछा गया है हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एल्वियोलाई का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उनके अंदर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो जाए गैसेज का। तो देखिए कैसे है इनका डिज़ाइन, किस तरह का स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई आर द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। ये एक बैलून की तरह स्ट्रक्चर है, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ये है हमारी एल्वियोलाई। ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये बैलून, ये दिख रहा है आपको, ये फूला हुआ बैलून, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं हमारे कहाँ पर? लंग्स के अंदर। तो यही बताया गया है इसके बारे में। The alveoli are the small balloon-like structure present in the lungs. ये balloon-like structure है जो कहाँ present होंगी? हमारे lungs के अंदर। The walls of the alveoli consist of extensive network of the blood vessels. जो alveoli की wall है उसके साथ कौन जुड़ा होता है? Blood vessels जुड़ी होती हैं। Each lung contain 300 to 350 million alveoli. जो इस तरह के structure है हमारे एक lung के अंदर कितने होंगे? 300 से लेकर 350 million. Making it the total of approximately 7 million in both the lungs. और जो total है इनकी जो amount होगी हमारे lungs के अंदर वो कितनी होगी? 700 million के आसपास. The alveolar surface when spread out about 80 meter square area. अगर हम alveolar का जो space surface है अगर उसको हम सीधा करें और उसको मापना शुरू करें तो कितना एरिया होगा इसका? एल्वियोलाई का एरिया, जो टोटल एरिया है हमारे लंग्स के अंदर, 80 meter square। दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स द गैसेस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। इतना जो बड़ा एरिया है हमारी एल्वियोलाई का उसकी वजह से क्या होगा? जो गैसेस का एक्सचेंज होगा CO2, जैसे कि इसके अंदर क्या होगा? CO2 क्या होगी? लंग्स के अंदर आ जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और जो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी? बॉडी के ब्लड सेल्स के अंदर। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है CO2 का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? इस एल्वियोलाई के इतने बड़े सरफेस की वजह से। कितना सरफेस है? 80 मीटर स्क्वायर इन एरिया। ये एल्वियोलाई का डायग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन क्या है? What would the be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? अगर हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या आपको नजर आएगा, क्या होगा? हीमोग्लोबिन एक तरह की रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो किसमें हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतना ही हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उतने ही हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन करती क्या है? बाहर से जो ऑक्सीजन है उसको अच्छी तरह से अंदर लेके जाएगी। मतलब जैसे एल्वियोलाई किया था हमने पीछे, अगर हमारे जो ब्लड वेसल जो एल्वियोलाई से जुड़े होते हैं, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो एल्वियोलाई से ज़्यादा ऑक्सीजन जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगी? हमारे ब्लड के अंदर। तो यही बताया गया है यहाँ पे। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट डेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करेगी? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करके आएगी कहाँ से कहाँ? बॉडी के सेल्स के पास। कि और इसको हम क्या बोलते हैं इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को? सेलुलर रेस्पिरेशन। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अगर हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो जो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी है, जो हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाने की जो सप्लाई करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी होगी और हमारी बॉडी को कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। सुना होगा आपने एनीमिया बीमारी, जिसको हम एक तरह से खून की बीमारी बोलते हैं, जिसके अंदर खून कम हो जाता है। खून मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? देखो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट है वो कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। तो उसमें क्या रहता है? 2 चैम्बर्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और 2 चैम्बर्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो उसी के बारे में बात की गई है कि डबल सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर क्यों होता है।
बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. हमारा ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है. द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे जो हार्ट है उसके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं. वो चैम्बर्स क्यों होते हैं, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग रहे. ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के प्लेस पे क्या आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड. हमारा जो हार्ट है चार चैम्बर है, उन चार चैम्बर्स के नाम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ऑक्सीजन रिच ब्लड From the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा, और कहाँ आएगा, हार्ट के अपर चैम्बर के अंदर आएगा, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम. और लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स करेगा तो वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ पे पंप कर दिया जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर. अब देखिए क्या है, क्या बताया गया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, लंग्स है, ये है हमारे लंग्स. लंग्स से क्या होगा, हमारा जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होगा, CO2 छोड़ दी जाएगी और ऑक्सीजन फिल कर ली जाएगी लंग्स के. तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर. लेफ्ट एट्रियम से फिर हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर. तो यहाँ पे एक सेपरेशन है, जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इस हिस्से के अंदर जो हम ये हिस्सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, कौन सा है ये हमारा जो राइट साइड है हमारे हैंड का, लेकिन ये हार्ट का कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है. यहाँ पे हमारा पूरा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड. और जो आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है यहाँ पे, सारा कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाम देख पा रहे होंगे, लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. तो ये है हमारे हार्ट के चार चैम्बर. दूसरा पार्ट देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे अपर चैम्बर के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा राइट एट्रियम, यहाँ पे आएगा हमारी बॉडी से पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम के अंदर. फिर राइट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ भेज दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर. फिर राइट वेंट्रिकल से उस ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा, लंग्स के अंदर. तो ये क्या, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन, कैसे कैसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करेगा, तो यही इसमें एक्सप्लेन किया गया है. तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, जो हार्ट है उसके अंदर से जो ब्लड है वो ट्वाइसली फ्लो करेगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. मतलब दो बार फ्लो कर रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. और डबल सर्कुलेशन क्या है, ज़रूरी भी है. क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग रहना ज़रूरी है. हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हम कैसे एनिमल हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट मेंटेन रखना ज़रूरी है. जैसे कि आप जानते हैं ना, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. अभी ऐसे थोड़ी ना 37 डिग्री सेल्सियस हर टाइम इसको कॉन्स्टेंट रखा जाता है. कौन रखता है इसको कॉन्स्टेंट, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो इसको क्या रखता है, कॉन्स्टेंट रखता है. तो इसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग रहना क्या है, ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन जैलम एंड फ्लोएम. जैलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंस बताना आपको. तो जैलम, जैसे कि आप जानते हैं, किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर और मिनरल्स का. और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का. जैलम क्या करेगा, अब देखो, रूट पानी को एब्जॉर्व करेंगे और उसको कहाँ पर भेज देंगे, अपर पार्ट प्लांट्स के अंदर, अपवार्ड के अंदर. लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवार्ड भी होगा, वो डाउनवर्ड भी होगा, क्योंकि रूट्स को भी फूड की ज़रूरत है और जो बाकी पार्ट है प्लांट की उनको भी फूड की ज़रूरत है. तो इसमें जो मूवमेंट होगी फूड की, वो क्या होगी, सभी डायरेक्शंस के अंदर होगी, अपवार्ड भी होगी, डाउनवर्ड भी होगी.
Transportation in Jhelum occur with the help of simple physical force such as transpiration pull. जिस फोर्स की वजह से पानी ऊपर मूव करता है रूट्स के थ्रू, उस पुल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल. मतलब एक तरह की जो लीव्स होती हैं वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन करती हैं प्लांट्स के अंदर. एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको बॉडी से बाहर निकालती हैं. तो उस पानी को जैसे ही बाहर निकाला जाता है बॉडी से, एक तरह का फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स की वजह से जो पानी रूट्स के अंदर है वो कहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा, बॉडी के ऊपर पार्ट्स की तरफ, मतलब अपवर्ड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए, प्लांट की बॉडी को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि आपको पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना है, टैंकी के अंदर पानी पहुंचाना, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ पर एक तरह की एनर्जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रोम इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग. हमें स्ट्रक्चर बताना है एल्वियोलाई और नेफ्रोन का, और इनका काम बताना है. काम क्या करते हैं, एल्वियोलाई काम करते हैं लंग्स के अंदर और नेफ्रोन काम करते हैं किडनी के अंदर. ये है इनका डायग्राम दोनों का, ये है एल्वियोलाई का डायग्राम और ये है यहाँ पे नेफ्रोन का डायग्राम. मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रोन एंड इट्स वर्किंग, कैसे काम करता है ये और क्या है इसका स्ट्रक्चर. अभी हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे. एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या होती है, पतली पतली बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और किडनी ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है, सॉरी नेफ्रोन जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और एक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर. The walls of alveoli are one cell thick and it contain an extensive network of the blood capillaries. ये क्या है, वन सेल की थिकनेस के जितनी होती है हमारी एल्वियोलाई, और इसके अंदर क्या जुड़ी होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स. नेफ्रोन्स आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस, बाउमेन कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यू. जो हमारा नेफ्रोन है वो किस चीज़ का बना होता है, ग्लोमेरुलस का, बाउमेन कैप्सूल का, और एक लंबी सी रीनल ट्यूब होती है. इट ऑल्सो कंटेन अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज. इसके साथ भी क्या है, काफ़ी सारी थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं. नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वियोलाई एंड द गैसेज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के थ्रू क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है, लेकिन जो हमारे नेफ्रोन है उसके थ्रू क्या होगा, जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसको क्या करेंगे नेफ्रोन, उसको हमारे किडनी के थ्रू उसको कहाँ पे भेज देंगे, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए उसको बॉडी से बाहर भेज देंगे. तो नेफ्रोन क्या एक तरह की बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है हमारी किडनी की. नेफ्रोन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट. और इनका और काम क्या है, जो भी हमारे जो वेस्ट है उसके साथ अगर कोई काम की चीज़ है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वाटर है, उनका रीअब्जॉर्प्शन करना. और क्या करते हैं नेफ्रोन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स, जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे और जो वेस्ट है उसको क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर भेज देंगे. ये थे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. इसके बाद हमारे इनटेक्स क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर.